हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारा एक वीडियो आ चुका है। इस सीरीज में हम जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 तक, यानी कि पिछले 5 महीने में उत्तर प्रदेश राज्य से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो है, उत्तर प्रदेश के आगामी सभी परीक्षा जैसे UPPCS, UP SSSC, PET, BDO, सप्लाई इंस्पेक्टर, इन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम PDF के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को। यहाँ पर गंगा शहर का मतलब है वह शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर, सबसे स्वच्छ गंगा शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, सबसे स्वच्छ राज्य है छत्तीसगढ़, सबसे स्वच्छ जिला है गुजरात का सूरत, सबसे स्वच्छ मध्यम शहर जिसकी आबादी 3 से 10 लाख है, ये है उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अब आपको वाराणसी से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में 339 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया है। वाराणसी से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र यानी कि रीजनल सेंटर कहां पर स्थापित किया गया। तो स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है लास बानोस या फिर मनीला, फिलीपींस। अब आपको यहां से 2 क्वेश्चन याद रखना है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उड़ीसा के कटक में, जबकि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है रमन मीनाक्षी सुंदरम को। बनारस शहर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। बनारस शहर से ही अगला क्वेश्चन है, लगभग 100 साल पहले वाराणसी शहर से चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया गया है। तो 2022 में ये जो मूर्ति है देवी अन्नपूर्णा की, ये कनाडा देश से वापस लाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कनाडा देश की राजधानी है ओटोवा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नामित किया है। तो इसका राइट आंसर है अभिनेत्री कंगना रनावत को। अब आपको एक जिला एक उत्पाद से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है, जबकि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा राज्य की है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना दक्षिण मध्य रेलवे जोन की योजना है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में सोलर तथा विंड एनर्जी को बढ़ावा देना, ये परियोजना शुरू की गई है उत्तर भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा UK सरकार के द्वारा। यहाँ पर बात की गई है एक जिला एक उत्पाद योजना की। यहाँ से उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है, ये 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद को उठाया जाता है, फिर उस उत्पाद के गुणवत्ता बढ़ाया जाता है जिससे कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सके। अब आपको हर जिले से एक जो उत्पाद विशेष उठाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आगरा का प्रोडक्ट है चमड़ा, फिरोजाबाद को ग्लास की चूड़ियों के लिए चुना गया है, अलीगढ़ को ताले और हार्डवेयर के लिए चुना गया है, प्रतापगढ़ को आंवला के लिए चुना गया है, पीलीभीत को बांसुरी के लिए चुना गया है, चित्रकूट से लकड़ी के खिलौने, गोरखपुर टेराकोटा, कन्नौज इत्र, लखीमपुर खीरी जनजाति शिल्प,
मेरठ, खेल सामान, अमरोहा, संगीत वाद्य यंत्र, मिर्जापुर तथा भदोही, दरी और कालीन। आपको उत्तर प्रदेश के सभी जो 75 जिले हैं इनके प्रोडक्ट के नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में यूपी की एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में नोएडा यानी कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। तो जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में बन रहा है। जो नोएडा यानी कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। यह हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा बनने के बाद, साथ ही साथ देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन भी हवाई अड्डा होगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में। अमृत सरोवर क्या है, क्योंकि इस साल हम मना रहे हैं आज़ादी का 75वां वर्ष है, जो कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया है जिसका नाम है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर के तहत भारत के सभी जिलों में 75 ऐसे जल निकाय, तालाब या फिर पोखर चिन्हित किए जाएंगे, फिर उनका पुनर्जीवित यानी कि जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि देश में जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। तो भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया। तो ये है उत्तर प्रदेश का आगरा। आगरा वही शहर है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में भारत का नंबर वन राज्य कौन है। तो नंबर वन राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। अब आपको इलेक्ट्रिक वाहनों से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, 2021-22 में सब्जी उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन है। तो सब्जी उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। जबकि यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश कई मामलों में नंबर वन है, जैसे गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न तथा मेथा, इन सभी चीज़ों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन राज्य है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग, जहां पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क स्थापित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है फेम योजना। परीक्षा में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो फेम योजना का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित की जाएगी तेलंगाना राज्य में, और इस फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा अमेरिका के ब्लिंटी इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा, जबकि तमिलनाडु राज्य में ओला कंपनी के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर भी निर्माण फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को शुरू किया है। तो अभ्युदय प्रोग्राम जिसके तहत वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई, नीट, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, इन सभी परीक्षाओं के लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी, यह योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। अब आपको इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। निःशुल्क कोचिंग योजना वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम केरल की है, अभ्युदय प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का है, जबकि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने, जिसका मकसद है किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकी को सरकारी योजनाओं के तहत लाभ पहुँचाना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने, जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति के गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए यूपी में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया है। तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू किया है? यह भी जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको बताना है यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यह जून 1991 से लेकर दिसंबर 2022 तक भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले टर्म के लिए और दूसरे टर्म के लिए 1997 से लेकर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस समय बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। जो कल्याण सिंह है ये 2 बार सांसद भी रह चुके हैं तथा राजस्थान राज्य और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कम आय वाले समूहों के उद्योगों को ऋण देने के लिए डिजिटल प्रयास अभियान को शुरू किया है? तो डिजिटल अभियान प्रयास अभियान है ये सिडबी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिडबी बैंक जो है इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। सिडबी बैंक के वर्तमान में CMD हैं S. रमन। सिडबी बैंक का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक रोप परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत बोलिविया तथा मेक्सिको के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है और भारत में पहली बार रोपवे सेवा वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। रोपवे सेवा क्या होता है? आप पहाड़ी क्षेत्रों में जो इस प्रकार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए देखते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में उड़न खटोला के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रकार की जो परिवहन सेवा है उसे हम रोपवे सेवा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है, ये पुस्तक लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संजू वर्मा के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक का संकलन किया गया है भारतीय जनता पार्टी BJP के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आइकिया कंपनी ने अपना पहला शॉपिंग मॉल भारत के किस शहर में खोलने का निर्णय लिया है? तो आइकिया के कंपनी के द्वारा भारत का पहला शॉपिंग मॉल स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आइकिया कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू फर्नीचर बेचने वाली स्वीडिश कंपनी है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना को शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो UP की किसी भी परीक्षा से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।